हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, आज की जितनी भी शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ें हैं, सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा होगा, उस पर क्लिक करना और उसके साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको जरूर क्लिक करना वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर UPPSC पर धरना प्रदर्शन किया गया था और परिणाम को लेकर बेमियादी धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी इकट्ठे हुए थे। ठीक है, तो सैकड़ों अभ्यर्थियों ने UPPSC का घेराव कर मांगा सामाजिक विज्ञान का परिणाम। मांगे पूरी न होने पर आज भी होगा धरना प्रदर्शन, यानी कि आज भी लगातार धरना प्रदर्शन होगा और उसमें सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट की मांग की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा विषय सामाजिक विज्ञान और सबसे ज़्यादा पद और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान विषय से हैं। ठीक है, तो अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम आठवां भाग जारी हो रहा है, वह भी टुकड़ों में। बड़े विषयों के परिणाम का अभी अता पता नहीं है। सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC पहुंचे अभ्यर्थियों ने यही मुद्दा जोर शोर से उठाया और सबसे बड़े विषय सामाजिक विज्ञान का परिणाम जल्द जारी करने की मांग की। कहा है कि महिला और पुरुष वर्ग का परिणाम एक साथ जारी किया जाए। UPPSC से अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का परिणाम जारी होने का सिलसिला मार्च के तीसरे सप्ताह से शुरू हुआ। भर्ती कुल 10,768 पद पर होनी है, लेकिन अभी तक तीन चरण में कम पदों वाले छोटे छोटे विषयों के 116 रिक्तियों पर ही परिणाम जारी हुआ है। गृह विज्ञान विषय में एक रिक्त पर योग्य अभ्यर्थी ने मिलने पर वह अनभरी रह गई है। सोमवार को UPPSC में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चे के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थी पहुंचे और खूब नारेबाजी की। संयोजक विक्की खान ने कहा कि बड़े विषयों का परिणाम समय से न आने के चलते अभ्यर्थियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। मांग की है कि UPPSC बड़े विषयों में सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी करे, क्योंकि इसी में सबसे अधिक रिक्तियां हैं। मांग रखी गई है कि एक विषय में महिला और पुरुष वर्ग का परिणाम अलग अलग दिन जारी न करके एक साथ दिया जाए। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र UPPSC के काउंटर पर दिया और दोपहर बाद लौट गए, लेकिन इस पर सहमति बनाकर अभ्यर्थी लौटे कि मंगलवार को फिर से UPPSC पहुंचकर घेराव करेंगे और परिणाम जारी होने तक अनवरत चलेगा। ठीक है, तो यहां पर बेमियादी धरना प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और आज भी यहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर दो अतिरिक्त अवसरों की मांग। PCS 2018 की मुख्य परीक्षा IAS पैटर्न पर होने से CSET प्रभावित तमाम अभ्यर्थियों को एक अवसर से वंचित होना पड़ सकता है। ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें दो अतिरिक्त अवसर मिले थे और PSC 2018 उनका अंतिम अवसर है, लेकिन परीक्षा में अचानक IAS पैटर्न लागू हो गया है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मांग की है कि दो अतिरिक्त अवसर दिए जाए। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ PCS 2018 की परीक्षा को लेकर है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी में 24,339 अभ्यर्थी सफल हुए। SSC ने सोमवार देर रात जारी किया लिखित परीक्षा का परिणाम। इंतजार खत्म। स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 में कुल 1285 पदों पर होनी है भर्ती। सफल अभ्यर्थियों को अब देना होगा स्किल टेस्ट। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार देर रात घोषित कर दिया। इसमें दोनों ग्रेडों को मिलाकर देश भर में 24,339 अभ्यर्थी सफल हुए। अब इनका स्किल टेस्ट होगा। SSC का यह केंद्रीय रिजल्ट है। इसमें मध्य क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार के अभ्यर्थी भी शामिल है। इस परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद विभिन्न विभागों में कुल 1285 पदों पर भर्ती होगी। अच्छी लेटेस्ट न्यूज है। परिणाम 15 साल बाद खामियाजा भुगतेंगे 90 चयनित। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित भर्ती के लिए उन्हें आवेदन 15 साल बाद परिणाम का सुख मिला। उनकी नियुक्ति पर अब दूसरा बड़ा संकट है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में उनके लिए पद ही नहीं रह गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय में 29 शिक्षकों को कुछ राहत देने की तैयारी में है। तो ये 15 साल बाद खामियाजा भुगतेंगे 90 चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर लेटेस्ट न्यूज था। और BEd की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 114,249 परीक्षार्थी, ठीक है ना, 8,631 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंचे, छोड़ी परीक्षा। दो पालियों में हुई परीक्षा के लिए बनाए गए थे 120 केंद्र। BEd की संयुक्त परीक्षा सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दोनों पालियों में हुई परीक्षा में कुल 114,249 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि 8,631 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। गर्मी अधिक होने से आसपास के जनपदों में आए अभ्यर्थियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार BEd की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सुरेहलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा आयोजित कराई गई। परीक्षा के लिए जनपद में 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसे 60 सेक्टरों में बांटा गया था।
पहली पाली में परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक, दूसरी पाली में 2 बजे से 5 बजे तक संपन्न हुई। पहली पाली में 59,940 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, लेकिन इनमें से महज 57,135 परीक्षार्थी शामिल हुए और 2,805 ने परीक्षा छोड़ दी। दूसरी पाली में 69,940 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 57,114 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। ठीक है, तो बीएड परीक्षा थी ये कल। और ग्रेड बढ़ा, 92.95% अभ्यर्थियों ने दी प्रवेश परीक्षा। ठीक है, और भी लेटेस्ट न्यूज़ है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पर दूसरे लेटेस्ट न्यूज़ में भी ग्रेड रिजल्ट को लेकर लिए रिजल्ट के लिए अड़े अभ्यर्थी, लोक सेवा आयोग से शुरू किया अनशन, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। ठीक है ना, तो ये अपडेट हमने दे दिया है। ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर लोक सेवा आयोग पर धरना देते हुए अभ्यर्थी। ठीक है ना, तो ये भी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर, बड़े विषय को लेकर यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर यहाँ पर अनशन किया गया है कि जल्द से सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान के हैं और सबसे ज़्यादा पद भी सामाजिक विज्ञान विषय में हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बड़े विषय के परिणाम पहले जारी किए जाएंगे। इस मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी अनशन जारी रहेगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आयोजन 8.5 माह बीत चुके हैं आयोजन को, और आयोग ने अब तक 4 छोटे विषयों का परिणाम ही जारी किया है। गृह विज्ञान पुरुष शाखा में तो केवल एक पद ही परिणाम जारी किया गया, और आयोग एक पद के लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला आयोग को। ठीक है, तो और यहाँ पर TET 2018 में गलत सवालों पर जवाब तलब। UP TET 2018 में प्रश्नों के गलत जवाब को सही मानने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब मांगा। याचिका में आरोप है कि पूछे गए कुछ प्रश्न सही नहीं है। प्राधिकारी द्वारा जारी संशोधित आंसर की को लेकर आपत्ति। याचिका में 30 सितंबर 2018 को जारी संशोधित आंसर की और दिसंबर 2018 को जारी परिणाम रद्द करने की मांग की गई है। ठीक है, तो ये UP TET 2018 की लेटेस्ट न्यूज़ थी। और यहाँ पर UPSC सह कृषि विपणन निरीक्षक के लिए इंटरव्यू 24 से, तो UPSC में इस परीक्षा के लिए यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। कुल 94 पद थे। सिपाही भर्ती के लिए परिणाम में चुनौती, 41,520 के परिणाम को लेकर यहाँ पर कोर्ट में चुनौती दी गई। एक बार फिर हाईकोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते में जवाब दे भर्ती बोर्ड, तो 4 हफ्ते में भर्ती बोर्ड ने जवाब मांगा है। नागरिक पुलिस और PSC में 41,520 पदों पर आरक्षी की भर्ती को लेकर और जारी परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल कर कहा गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने चयन में मनमानी की है और नियमों के विपरीत जाकर चयन किया है। दीक्षा देवी और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने पुलिस भर्ती बोर्ड में इस मामले में जवाब मांगा है। याचिकन का कहना है कि 41,520 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत आवेदन किया गया था। लिखित और मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज चयन सत्यापन आदि प्रक्रिया में सफल हुए, मगर 18 फरवरी 2019 को परिणाम घोषित किया गया जिसमें उसका नाम चयन सूची से बाहर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। और UPSC में सह कृषि विपणन निरीक्षक के लिए इंटरव्यू 24 से, सहायक वर्गीकरण निरीक्षक के लिए भी इंटरव्यू के लिए कुल 94 पद हैं। ठीक है ना, परीक्षा की तिथि बदलने की मांग को लेकर लोक सेवा आयोग में विज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थी। तो UPSC ने कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के तहत सहायक कृषि विपणन निरीक्षक और सहायक वर्गीकरण निरीक्षण के 94 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इंटरव्यू 24 अप्रैल से 9 मई तक विभिन्न तिथियों में आयोजित किए जाएंगे, और तिथि है 24, 25, 26, 27, 30 अप्रैल और 1, 2, 3, 4, 8, 9 मई को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक अर्हता के तहत मिले प्राप्त अंकों के आधार पर इंटरव्यू और औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से इंटरव्यू ज्ञाप आवेदन पत्र, देशनात पत्र, प्रमाणकरण और पत्रक आदि डाउनलोड कर मुद्रित करके अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए इंटरव्यू वाले दिन सुबह 9 बजे कार्यालय के यमुना भवन में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये UPSC में किसी को लेकर यहाँ पर इंटरव्यू 24 से है। और यहाँ पर आपत्ति वाले प्रश्नों पर चयन बोर्ड असमंजस में परीक्षार्थी जाएंगे कोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और TGT PGT परीक्षा 2016 की आपत्ति वाले प्रश्नों पर कोई फैसला नहीं है, नहीं होने से परीक्षार्थियों में गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने चयन बोर्ड की ओर से जारी उत्तर कुंजी में गंभीर आपत्ति जताई, तो परीक्षार्थी अब इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से उत्तर कुंजी जारी की जाने के बाद संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा सहित लगभग सभी विषयों के परीक्षार्थियों को 10 से 12 प्रश्नों को लेकर आपत्ति उठाई गई है। और सामान्य अभिरुचि के सवालों ने दी राहत, बीएड प्रवेश परीक्षा में 95% अभ्यर्थी शामिल, जीएस के परम्परागत सवालों की भरमार। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त बोर्ड बीएड प्रवेश परीक्षा सोमवार को प्रयागराज के 120 केंद्रों में आयोजित की गई। परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 95% रही। दो पाली में हुई परीक्षा में सामान्य अभिरुचि के सवालों ने अभ्यर्थियों को राहत दी है, जबकि विषय में जुड़े सवाल अभ्यर्थियों को कठिन लगे। निगेटिव मार्किंग के कारण अभ्यर्थियों को काफ़ी सोच समझ कर जवाब देना पड़ा। तो बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए प्रयागराज से बने 120 केंद्रों 60 सेक्टरों में बांटा गया था। प्रयागराज परीक्षा का संयोजक रूप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में नोडल केंद्र बनाया गया था। परीक्षा में कुल 59,940 अभ्यर्थी आवेदन किए गए थे, ठीक है ना। तो प्रयागराज की लेटेस्ट न्यूज है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कुछ खास नहीं है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।